हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्विकर स्टडी में। मैं कमल बिष्ट। इस वीडियो के माध्यम से आपको समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखाओं के बारे में बताऊंगा, पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल लाइन। और हाँ दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो दोस्तों, इसमें आप देखेंगे समांतर रेखाएँ और तिर्यक रेखाएँ और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। समांतर रेखाएँ क्या होती हैं दोस्तों? जब हमारी कोई लाइन जो है एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काटती है, मतलब हम इन्फाइनाइट तक भी उनके इन पॉइंट को बढ़ाएं तो एक दूसरे को नहीं काटनी चाहिए। यदि अब यहाँ पर हमारे देखिए, यहाँ पर जो हमने बना रखा है इसको, अभी यदि हम अनंत तक बढ़ाएं, अनंत तक ले जाएं, तब भी जो है ये एक दूसरे को नहीं काटेंगी, ये स्ट्रेटली जो है अलग अलग जाती रहेंगी। तो इस तरह की जो लाइन होती है इनको हम बोलते हैं पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन अर्थात समांतर रेखाएं बोलते हैं इनको। और यदि हमारी जो है इसी लाइन में मैं एक लाइन को अगर यूं बना दूं, एक लाइन को यूं बना दूं, तो ये कहीं ना कहीं आगे जा करके एक दूसरे को कट कर जाएंगी। देखिए यहाँ पर कट कर दिया, तो यहाँ पर कट कर दिया, तो ये जो है हमारी पैरेलल लाइन नहीं होगी। तो पैरेलल लाइन होने के लिए हमारा क्या होना चाहिए? हमें जो है उन दोनों लाइन को जो है बढ़ाएं, या हम दो लाइन हों या अधिक लाइन हों उनको बढ़ाएं, तो उनको जो है आपस में कट नहीं करना चाहिए यदि हम उनको इन्फिनाइट तभी बढ़ाएंगे। तो इस तरह की हमारी जो है पैरेलल लाइन होती है। अब बात आती है ट्रांसवर्सल लाइन। जो हमारी ट्रांसवर्सल लाइनें होती हैं दोस्तों, ट्रांसवर्सल लाइनें क्या होती हैं? इनमें जो है हमारी जो है ये डिफरेंट पॉइंट में जो है दो या दो सी लाइन को जो है काटती हैं, तो उसे हम ट्रांसवर्सल लाइन करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक लाइन ली, एक फिगर हमने इस तरह से लिया, यहाँ पे मान लीजिए ये लिया और यहाँ पे इस तरह से लिया कोई, और एक लाइन डाल दी यूँ। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ये लाइन जो है यहाँ पे और यहाँ पे ए बी और सी डी लाइन को काट रही है पी पॉइंट पर और क्यू पॉइंट पे। तो इस तरह से जो है ये लाइन हमारी जो है क्या कहलाएगी? ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी, तिर्यक रेखा कहलाएगी। और यहाँ पे एंगल बन रहे हैं, देखिए इन एंगलों को हम नाम देते हैं कुछ और इनकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हमारे जो है 8 एंगल बन रहे हैं यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट पे। और जो है हम इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ये एंगल हमारे होते क्या, इनको नाम हम देंगे और जो है इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट में हम यहाँ पे तिर्यक रेखा के बारे में तो पढ़ ही चुके हैं। जब जो है दो या अधिक रेखाओं को डिफरेंट पॉइंट पे कोई लाइन काटती है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो हमारे बाहर वाले एंगल हैं 1, 2, 7, 8 बाहर वाले एंगल हैं, इनको हम जो है एक्सटेरियर एंगल कहते हैं, बाह्य कोण कहते हैं। एंगल 1, 2, 7 एंड 8। तो ये हमारी जो है ये एंगल हमारे एक्सटेरियर एंगल कहलाते हैं, बाह्य कोण कहलाते हैं। और वैसे हमारे जो है अंदर के, जैसे एंगल 3 है, एंगल 4 है, एंगल 5 है एंड एंगल 6 है, तो ये हमारे जो है अंदर से बन रहे हैं, तो इनको इंटीरियर एंगल बोलते हैं। तो ये हमारे जो है अंतःकोण बनते हैं, इंटीरियर एंगल बनते हैं, और जो बाहर से बन रहे हैं वो एक्सटीरियर एंगल बनते हैं। तो इस तरह से हम इनको नाम देते हैं। अब जो है इनकी जो है विशेष जो नॉमिनेशन होता है वो इस तरह से होता है। देखिए यहाँ फर्स्ट में हम देख पढ़ेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल अर्थात संगत कोण। संगत कोण कौन कौन से होते हैं? देखिए दोस्तों, संगत कोणों का एक यहाँ पे पेयर पढ़ेंगे हम। यहाँ पे फर्स्ट में हमारा एक पेयर बन रहा है एंगल 1 और एंगल 5 का जो है ये संगत है, एंगल 1 एंड एंगल 5। दूसरा पेयर बनता है हमारा एंगल 2 एंड एंगल 6 का। वैसे हमारा तीसरा बनता है एंगल 4 एंड एंगल 8 का, और वैसे चौथा बनता है हमारा एंगल 3 एंड एंगल 7 का।
तो ये हमारी जो है करस्पॉन्डिंग एंगल है, संगत कोण है। और संगत कोणों में जो है एक थ्योरम होती है, इस थ्योरम को हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो हम यहाँ पे थ्योरम देखिए दोस्तों, संगत कोणों का प्रत्येक युग्म जो है बराबर होता है। ये युग्म है हमारा एक पेयर है, 1 और 5 हमारा एक पेयर है, 2 और 6 एक पेयर है, 4 और 8 एक पेयर है, और 1, 3 और 7 है। यहाँ पे इस तरह 4 पेयर हैं। तो संगत कोणों में जो है प्रत्येक युग्म जो है क्या होता कह रहा है, बराबर होता है थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो ये जो है आपस में ये हमारे जो है क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस थ्योरम का यूज हम आगे करेंगे, आप इसको याद रखिएगा। ये हमारी एक जो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट पढ़ेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो दोस्तों हम यहाँ पे देख रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अर्थात एकांतर अंतःकोण। अब एकांतर अंतःकोण के बारे में हम देख रहे हैं यहाँ पे, एकांतर अंतःकोण होते क्या हमारे, जो हमारे जो है एक साइड में बनते हैं जो है, और जो अंदर से बनेंगे उनको हम एकांतर अंतःकोण बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे 4 और 6 बन रहा है, देखिए यहाँ पे एक साइड पर ये बन रहा है, एक साइड पर ये बन रहा है, और अंदर से बन रहे हैं जो है ये देखिए, तो इसको इसलिए हम अंतर बोलते हैं, और एकांतर एक एक साइड बन रहे हैं तो एकांतर बोलते हैं। इसलिए यहाँ पे फर्स्ट वाला कौन सा हो गया, एंगल 4 एंड एंगल 6 जो है अल्टरनेट इंटीरियर हो गया, और सेकेंड वाला एंगल 3 और एंगल 5, तो एंगल 3 और एंगल 5 जो है इंटीरियर एंगल हमारे, जो ये दो आपस में हो गए, ये जो है हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। वैसे हमारा जो है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होंगे, जो एकांतर बाह्य कोण होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम पढ़ेंगे तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल अर्थात एकांतर बाह्य कोण। अब एकांतर बाह्य कोण कौन कौन से होंगे हमारे जो है, जैसे हमारा 1 है और 7 है, तो फर्स्ट वाला हमारा जो है क्या आ रहा है, एंगल 1 एंड एंगल 7, और वैसे दूसरा वाला एंगल 2 और एंगल 8। तो ये हमारे जो है एकांतर बाह्य कोण बन गए, एक्सटीरियर एंगल अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बन गए। तो इस तरह से हमें जो है इनके बारे में जो है तिर्यक रेखा से जो हमारे इस तरह के डिफरेंट एंगल बनते हैं इनका हमें पता होना चाहिए। और दोस्तों एक थ्योरम जो है हमारी बनती है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में, वो ये है, जब हमारी दो पैरेलल लाइन होती हैं, जब दो पैरेलल लाइन होती हैं और उसमें एक तिर्यक रेखा होती है मतलब ट्रांसवर्सल लाइन होती है, तो हमारी जो यहाँ पे एकांतर अंतःकोण बनते हैं, मान लीजिए यहाँ पे एंगल ए और एंगल बी बना, जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनते हैं वो हमारे जो है आपस में बराबर होते हैं। तो ये थ्योरम है हमारी, थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे जो है यहाँ पर दो पैरेलल लाइन है, मान लीजिए ए और बी हमारे, कैपिटल ए और बी हमारी जो पैरेलल लाइन है, और यहाँ पर इन्होंने जो है पॉइंट पे पी और क्यू पे इनको कट किया, तो यहाँ पे जो एकांतर अंतःकोण बन रहे हैं ए और बी, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी होता है इस केस में। तो ये हमारी जो है थ्योरम के अकॉर्डिंग होता है, और इस रूल का यूज हम जो है आगे से आगे क्वेश्चनों में करेंगे, और इससे हमें जो है और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम एक इसका एग्जाम्पल लेते हैं जो है, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा एग्जाम्पल है दोस्तों, जिसमें हम थ्योरम का भी यूज करेंगे, पिछली हम थ्योरम का यूज करके यहाँ पे क्लियर कर लेंगे उनको इस एग्जाम्पल से। अब यहाँ पर आपको एक फिगर दिया है और हमें एंगल डी ई एफ दे रखा है, और निकालना है एक्स है, वाई और जेड निकालना है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारी जो है तीन लाइनें क्या हैं, एकदम पैरेलल हैं, और यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल लाइन है, एक तिर्यक रेखा है जो यहाँ पे कट कर रही है इनको अलग अलग पॉइंट पे, डिफरेंट पॉइंट पे। तो हमें यहाँ पे निकालना है y
एक्स और जेड को। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे ये वाला एंगल, और देखिए पैरेलल लाइन है तो हमारा जो है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो है एकांतर पैरेलल के केस में हमारा जो है एकांतर कोण क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है बराबर होते हैं, एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। तो इसलिए जो है हमारा जो है ये भी कितना होना चाहिए, 55 होना चाहिए। और देखिए ये और ये ऐड करके कितना आएगा हमारा, ये हमारा क्या बना रहा है, एक स्ट्रेट एंगल बना रहा है, अर्थात 180 डिग्री का एंगल बना रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए वाई और इसको ऐड करेंगे तो 180 का बनेगा। तो हम यहाँ पे फर्स्ट में करेंगे वाई प्लस 55 इक्वल टू 180 डिग्री बन रहा है, तो ये बन गया। तो इसी हमारा वाई इक्वल टू कितना आ गया, 180 माइनस 55 इक्वल टू 125 डिग्री, तो ये हमारा जो है y निकल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है यहां पे देख रहे हैं ये पैरेलल लाइन है और ये पैरेलल लाइन है, और हम यहां पे देख रहे हैं, देखिए यहां पे ये एंगल बन रहा है और यहां पे ये एंगल बन रहा है। तो हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी थी पैरेलल लाइनों में जो है ये पेयर जो होता है हमारा संगत कोण है, अर्थात करस्पॉन्डिंग एंगल है, और करस्पॉन्डिंग एंगल इस केस में जो है आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो एक्स और वाई जो है बराबर होंगे ड्यू टू करस्पॉन्डिंग एंगल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल के कारण ये क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, तो एक्स इक्वल टू वाई होगा, तो एक्स इक्वल टू भी क्या हो गया हमारा 125 डिग्री। तो दो हमारे निकल गए एक्स और वाई। अब हमें क्या निकालना है, जेड निकालना है। अब जेड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए दोस्तों ये हमारा जेड है, ये हमारा जो है राइट एंगल है, यहाँ पे राइट एंगल है तो यहाँ पर 90 डिग्री होगा, और ये हमारा 55 डिग्री ऑलरेडी हमें पता चल गया। तो हम यहाँ पर ट्रेंगल की वाली थ्योरम यूज करेंगे, जिसमें हमें पता है कि ट्रेंगल की इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम उसी का यूज करेंगे, जेड प्लस 90 प्लस 55 इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये हो गया। और यहां पर इसको सॉल्व करके हमारा जो है तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस इन दोनों को ऐड किया तो 145, और ये हमारा जो है निकल के आ गया z इक्वल टू 35 डिग्री। तो z इक्वल टू 35 डिग्री हमारा आ गया, और x और y इक्वल टू हमारा 125 डिग्री आ गया। तो ये हमारा आंसर आ गया, इस तरह से हमने निकाल लिया इसको, और हमारे जो है पिछली थ्योरम इसे क्लियर हो गई। तो इस तरह से आप अदर एग्जांपल्स भी करेंगे दोस्तों, और अपनी जो है थ्योरम का यूज़ करके, इन बेसिक पॉइंटों का यूज़ करके आप आगे बढ़ेंगे, और जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चनों की आप इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं और इन थ्योरमों का यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। ओके थैंक्स।